नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज एक छोटा सा क्विज़ करेंगे दोस्तों हम लोग। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपने बच्चों के साथ में, और हमारे बच्चे आप लोग और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब मिलकर के ये गेस करने की कोशिश करेंगे कि मैं किस बुक में से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, आपको पता चल गया? नहीं मालूम पड़ा। आप किसी को पता चला? चलिए ठीक है। मैं बचपन में ऐसा किया करता था कि मैं अपनी MBBS की बुक में ऐसे छुपा लिया करता था। स्कूल विदाउट फियर। ठीक। आज के टॉपिक का नाम है लव हेट रिलेशनशिप। क्या नाम है? लव हेट रिलेशनशिप। ऑथर कह रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेस कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस, All relationships, particularly intimate relationships, are deeply flawed and ultimately dysfunctional. इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। ऑथर कह रहे हैं, ऑथर का नाम नहीं बोलना है मुझे, आप लोगों को गेस करना है ना। अभी तक गेस कर पाए? नहीं। अब देखने की कोशिश मत करिए किताब को भाई, सब लोग किताब देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है धोखेबाजों का। गलत है, कृष्णमूर्ति की बुक नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक आप कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस को एक्सेस नहीं करेंगे, तो सबसे पहले बताइए कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस क्या होती है, तब तक आपके सारे रिलेशनशिप, और ख़ास तौर से जिसको आप बहुत नज़दीक मानते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप, चाहे भाई बहन के, हस्बैंड वाइफ के, बाप बेटे के, जो भी आपके इंटीमेट रिलेशनशिप हैं, वो होंगे डीपली फ्लॉड। फ्लॉड मतलब वो ख़राब होंगे, एंड अल्टीमेटली डिसफंक्शनल, और वो अपना काम नहीं करेंगे, रिलेशनशिप हो जाएंगे बिगड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप सही रहें, तो आपको कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस को एक्सेस करना पड़ेगा। ये कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस क्या है और कैसे हम उसको एक्सेस कर पाते हैं? कोई आइडिया नहीं? गरिमा, वैभव, श्रवण, वेरी गुड। प्रेजेंस वर्ड को अगर आप पकड़ लें, प्रेजेंस में रह पाना, पास्ट से निकल के प्रेजेंस में रह पाना, कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस, इस प्रेजेंस की एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, चाहे वो एक मिनट पहले की या एक दिन पहले की या एक साल पहले की, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप प्रेजेंस की फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करते हैं, तब जाके आपके रिलेशनशिप ठीक हो पाते हैं। आपके रिलेशनशिप वैसे ठीक लगेंगे जब तक आप इन लव हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से बातचीत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट मतलब अच्छा बहस क्या होती है? मैं बताता हूँ, जब दो लोग के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं और एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, मतलब वेरी गुड, दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं और वो अग्री नहीं करते हैं, तो बहस बनता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन बनते क्यों हैं? जब दो लोग एक ही फैक्ट को देख रहे हैं, तो आपका अलग ओपिनियन मेरा अलग ओपिनियन क्यों है? दोनों के अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। मान लो एक आदमी 80 साल का है, एक आदमी 15 साल का है। जो 80 साल वाला आदमी है वो अलग तरीके से चीजों को देखेगा, वो लॉन्ग टर्म सोच करके चीजों को कुछ कुछ देखेगा, और 15 साल वाला बड़ा बहुत वैसे होगा, तेज तेज चीजों को समझने और कॉन्टेम्पलेट करने वाला, तो वो अपना अलग बनाएगा। मेनली उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग चीजों को परसीव करते हैं, समझते हैं। हाँ सही है, लोग एक ही फैक्ट को देखते हैं और उसी चीज में से दो लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस निकालते हैं और अलग अलग स्टोरीज बनाते हैं, और हमारी स्टोरी हमको सच लगती है, और ये जो लड़ाइयाँ होती हैं वो स्टोरीज़ की लड़ाइयाँ होती हैं। तो हमारे आर्ग्यूमेंट, हमारे रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट के समय, कॉन्फ्लिक्ट्स के समय, डिससेटिस्फैक्शन के समय, एंड इमोशनल एंड इवन फिजिकल वायलेंस अकर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, और इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ में इमोशनल और फिजिकल वायलेंस भी करते हैं, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है अगर हम बार बार अपने आप को प्रेजेंस में नहीं लाते हैं। तो
इट सीम्स दैट मोस्ट लव रिलेशनशिप्स बिकम लव हेट रिलेशनशिप्स बिफोर लॉन्ग. ऐसा लगता है कि जितने भी लव रिलेशनशिप हैं वो धीमे धीमे लव हेट रिलेशनशिप बन जाते हैं. लव कैन देन टर्न इंटू अ सैवेज अटैक, फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और कंप्लीट विदड्रॉल ऑफ अफेक्शन एट अ फ्लिक ऑफ स्विच. और बाद में वो जो प्यार है वो बदल जाता है एक सैवेज अटैक की तरह. मतलब हाँ, जैसे जंगली आदमी किसी के ऊपर अटैक करे, वो बन जाता है फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी. दोनों के बीच में एक दुश्मनी टाइप की फीलिंग आ जाती है. एंड कंप्लीट विदड्रॉल ऑफ अफेक्शन, और उस मोमेंट पर अफेक्शन का कंप्लीट विदड्रॉल हो जाता है. मतलब नहीं चाहिए मुझे आपसे प्यार, नहीं हम लोग, हाँ ना प्यार चाहिए ना हम प्यार दिखाएंगे, विदड्रॉ कर लेंगे, अपने अंदर छुपा लेंगे अफेक्शन को. और ये सब चीज़ें धीरे धीरे नहीं होती, फ्लिक ऑफ अ स्विच में होती. दिस इज कंसिडर्ड नॉर्मल, और इस चीज़ को हम इंसान नॉर्मल मानते हैं. उसके बाद आपका रिलेशनशिप ऑस्किलेट करता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कभी लव में कभी हेट में, कभी लव में कभी हेट में. और इसी रिलेशनशिप में से आपको मिलता है प्लेजर. जब आप लव में हैं, हेट तो पेन, फिर प्लेजर और पेन, ऐसे आपको मिलता रहता है. एंड इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर कपल्स टू बिकम एडिक्टेड टू दोज साइकिल्स. हमको नहीं मालूम पड़ता, हम कपल्स के साथ में, मतलब आपस में अगर कपल्स हैं या किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ पर हम एक दूसरे से प्लेजर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वही हमको हेट भी मिलता है और इसकी आदत पड़ जाती है. इसका हमको एडिक्शन हो जाता है इस साइकिल का. इस तरह के ड्रामा से हमको जिंदा फील होता है. अगर ड्रामा नहीं होता तो हमको लगता है प्यार नहीं है. इसलिए लोग बोलते हैं कि यार जिस रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं होती वो प्यार नहीं होता. वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें प्यार नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको एक सिगरेट की तरह या शराब की तरह उसकी आदत पड़ गई है. किस चीज़ की? डिजायर नहीं, लवन. हाँ, लव हेट, लव हेट, लव हेट. व्हेन अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज इज लॉस्ट एंड द नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव साइकिल अकर्स विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी विच टेंड्स टू हैपन सूनर और लेटर, देन इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर रिलेशनशिप फाइनली कोलैप्स. और फिर बाद में धीमे धीमे ये जो लव हेट का रिलेशनशिप है, इसमें एक तरह का इम्बैलेंस आता है. इसमें धीरे धीरे नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव साइकिल ज़्यादा हो जाता है, और आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें फ्रीक्वेंसी, मतलब हेट की तादाद, गिनती, नंबर ऑफ हेट, और उसकी इंटेंसिटी, जो हेटेड की इंटेंसिटी, ये दोनों बढ़ जाती है. और आज नहीं तो कल आपका रिलेशनशिप चाहे कितना भी अच्छा हो वो फाइनली कोलैप्स कर जाता है. सारे रिलेशनशिप, सारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं. इट मे अपियर दैट इफ यू कुड ओनली एलिमिनेट द नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव साइकिल देन ऑल वुड बी वेल एंड द रिलेशनशिप वुड फ्लावर ब्यूटिफुली. आपको शायद ऐसा लगेगा कि अगर मैं अपने रिलेशनशिप में से, प्यार मोहब्बत में से हेट्रेड निकाल दूँ, खराबी जो पेन है वो निकाल दूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट अलास, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. पता चला कौन सी किताब है अभी तक? चलो, इसका मतलब अभी तक आप लोग मेरे सीक्रेट वेपन्स के बारे में नहीं जानते. यू कैनॉट हैव वन विदाउट द अदर. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको हेट चाहिए या लव चाहिए और हेट नहीं चाहिए. ये दोनों एक साथ आता है. एंगर वाली किताब है, एंगर वाली किताब है. सॉरी ब्रो. द पॉजिटिव ऑलरेडी कंटेन्स इट्सेल्फ द एज येट अनमैनिफेस्टेड नेगेटिव. जब भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है वो एक तरह का अनमैनिफेस्टेड नेगेटिव है. देखिए, ये सिक्का है, सिक्के का टेल्स है. तो आपको जब टेल दिखा रहा हूँ तो मैं हेड्स का बैक दिखा रहा हूँ. अच्छा. जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव अनमैनिफेस्ट है. जो मरा हुआ है वो एक तरह से छुपा हुआ जिंदा है, और जो जिंदा है वो ऐसा है जो अभी मरने वाला है. हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. आप अगर कहते हैं मुझे यही वाला पहलू चाहिए तो आपको नहीं मिल सकता. आप जब सिक्का लेंगे, आपको प्यार चाहिए तो आपको हेट मिलेगा, आपको हेट चाहिए तो प्यार मिलेगा. इसको थोड़ा समझिए.
अनमैनिफेस्टेड नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब अनमैनिफेस्टेड नेगेटिव मतलब हाँ अभी लाइट है, लाइट है मतलब अनमैनिफेस्टेड लाइट गई, लाइट है तो जब लाइट जाएगी तो अंधेरा होगा, और ऐसा तो है ही कि लाइट जा सकती है, अगर कोई जिंदा है तो मर भी सकता है, तो जिंदा मतलब अनमैनिफेस्टेड डेड। जब आप पॉजिटिव देख रहे हो तो अभी वो जिंदा नहीं हुआ जब, हाँ एग्जैक्टली वो अनमैनिफेस्टेड है, दिख नहीं रहा है। एक आदमी है जो आपको बहुत प्यार करता है, वो प्यार करता है लेकिन उसी प्यार के पीछे उसका क्रोध भी छुपा हुआ है। बट बोथ आर इन फैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम डिसफंक्शन। अगर कोई किसी को प्यार कर रहा है तो एक डिसफंक्शन है, एक बीमारी है, प्यार भी बीमारी है, ये दोनों एक ही बीमारी के अलग अलग रूप हैं। आई एम स्पीकिंग हियर ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ऑथर कह रहे हैं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप की, लेकिन मुझे लगता है ये सारे रिलेशनशिप में सच है, जहाँ कहीं पर भी बहुत इंटेंस लगाव है, प्यार है। नॉट ऑफ ट्रू लव, ऑथर कहते हैं मैं ट्रू लव की बात नहीं कर रहा हूँ जो भक्त और भगवान के बीच में होता है, नहीं खाली भगवान भगवान के बीच में होता है या एक एनलाइटन आदमी के अंदर होता है, मैं ट्रू लव की बात नहीं कर रहा हूँ। विच हैज़ नो ऑपोजिट बिकॉज इट अराइजेज फ्रॉम बियॉन्ड माइंड। आपका सवाल था ना कि कैसे इसके बियॉन्ड जाएं, वो तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक आप बियॉन्ड माइंड नहीं जाएंगे। ये बियॉन्ड माइंड क्या होता है, हम बियॉन्ड माइंड जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, कैसे हम बियॉन्ड माइंड जा सकते हैं? एक तो स्लीप, ब्यूटीफुल वेरी गुड, स्लीप की स्टेट में हम माइंड के बियॉन्ड जाते हैं, और कोई तरीका भी है? बियॉन्ड माइंड मतलब जीरो थॉट्स और कोई डर नहीं है किसी भी चीज़। बियॉन्ड माइंड मतलब जीरो थॉट्स और कोई डर नहीं है, लेकिन ऐसा तो जीते जगते तो हो नहीं सकता, फिर कैसे जाएं? कैसे? एक तरीका है अपने मन में चलने वाले थॉट्स के पास रहें, उसके साथ ना रहें। जैसे अगर मेरा माइंड कहता है कि ये लड़का बहुत बदतमीज़ है, ठीक है एक थॉट है, इसमें से निकलेगा एक एक्शन। अगर मैं इस थॉट के अंदर घुस जाऊंगा, मतलब इसको मानूंगा, तब ये एक्शन बन जाएगा, ये क्रोध बनेगा। और अगर मैं इसके पास खड़ा हूँ, मैं इससे दूर तो जा नहीं सकता, ये मेरे अंदर ही है, इसके पास खड़ा हूँ, मेरे मन में थॉट चल रहा है कि ये लड़का बदतमीज़ है, ये लड़का बदतमीज़ है, और मैं इसके साथ बैठा हूँ, इसके साथ बैठा हूँ, तो मैं माइंड के बियॉन्ड जा रहा हूँ, बिकॉज माइंड मतलब थॉट। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की चीज़ है। जब भी आपके मन में कोई इंटेंस थॉट आए तो उसको एक्शन बना, फिर वापस आए। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कोई थॉट इंटेंस हो रहा है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई थॉट इंटेंस है कि नहीं? बार बार वो आ रहा है। हाँ, एक बार तो एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा इंटेंस थॉट बनते हैं इंटेंस इमोशंस। इमोशंस थॉट नहीं होते, इमोशंस बहुत स्ट्रांग फोर्स होते हैं। हाँ, लेकिन बाद में वो थॉट बनते हैं। अगर मैंने किसी को गाली दिया, मारा, तो एक बहुत स्ट्रांग थॉट बन जाता है बाद में मेमोरी में कि मैंने ये काम किया था या मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, और हम उसको डाल देते हैं अपनी स्टोरी में, अपने स्क्रिप्ट में। कौन से स्क्रिप्ट में? अनकॉन्शियस स्क्रिप्ट में, जिसमें कि हम मानते हैं कि लाइफ हमारे साथ गलत कर रही है, और लाइफ मतलब लोग, हमारे आसपास के लोग जानबूझ के कर रहे हैं गलत। हम ये भूल जाते हैं कि हम सब के सब अपनी एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे हैं जैसे सांस ले रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम सांस ले रहे हैं। हम सांस कैसे लेते हैं? अनकॉन्शियसली लेते रहते हैं, हम अनकॉन्शियसली लेते हैं, और जैसी हवा है वैसी ही सांस लेते हैं। अगर हमारे घर में आग लग जाए तो धुआं हमारे नाक में चला जाएगा। उस दिन हम एक भाई साहब के घर में गए थे, उनके घर में सिगरेट की इतनी बदबू थी कि बस कमरे को देखते ही हमारे अंदर में सिगरेट घुस गया। ऐसे ही हम विचार भी लेते हैं, शक करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी।
जब अंदर में विचार सक करते हैं, मतलब वो थॉट्स को हम होने देते हैं एक्शन. ब्रीफ एंड एल्यूसिव ग्लिम्स ऑफ लव हाउ एवर आर पॉसिबल वेन एवर देर इज अ गैप इन द स्ट्रीम ऑफ माइंड. कह रहे हैं वो प्योर लव जिसमें कोई ऑपोजिट नहीं होता, वो कभी कभी आपको ब्रीफ और एल्यूसिव ग्लिम्स मिलता है. ब्रीफ मतलब बहुत थोड़ा सा, ब्रीफ मतलब बहुत थोड़ा सा. राइट इन ब्रीफ जो था, मुझे भी लगता था बचपन में कि स्कूल में लिखा है ब्रीफ मतलब खूब लिखो. बी आर आई ई एफ ब्रीफ. संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो. ब्रीफ मतलब समरी. तो ब्रीफ मतलब बहुत थोड़ा सा, ग्लिम्स मतलब झलक. हाँ, ग्लिम्स नाम की कोई किताब जानते हैं आप लोग? ग्लिम्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड, ओशो की, ओशो की बचपन की बुक है. अच्छा, तो आपको झलक मिल सकती है उस ट्रू लव की वेन एवर देर इज अ गैप इन द स्ट्रीम ऑफ माइंड. जब भी आपके माइंड की स्ट्रीम में गैप है. ये माइंड की स्ट्रीम क्या है? थॉट्स के फ्लो के बीच में जो गैप आता है उसको आप जब महसूस करते हैं तो आपको लव का, ट्रू लव का एहसास होता है. अब जब भी हम अपने अंदर में कोई नेगेटिव लव को एक्सपीरियंस करते हैं, हेट को एक्सपीरियंस करते हैं, बहस को एक्सपीरियंस करते हैं, वॉयलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमको ज़्यादा दिखाई देता है डिसफंक्शनल. पॉजिटिव हमको लगता है अच्छा चीज़ है, उसमें कोई डिसफंक्शन नहीं है. मेला, छोना, बाबू, ये सब जब हम करते हैं किसी के साथ में, हम जिसको आप क्रिंज लव बोलते हैं, वो सब पॉजिटिव डिसफंक्शनल लव है. उसको हमको लगता नहीं कि डिसफंक्शनल है, ख़राब है. एंड इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू रिकोगनाइज द सोर्स ऑफ नेगेटिविटी इन योर पार्टनर दैन टू सी इट इन योर सेल्फ. और जब भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव लव जैसी चीज़ होती है, हेटरेड चीज़ होती है, तो ज़्यादा आसान है कि हम उस नेगेटिविटी का सोर्स कहाँ देखें? ज़्यादा आसान है दूसरे में है और अपने अंदर की मिस कर देते हैं. हाँ, दूसरे की देखना आसान है. अगर आपके अंदर कोई कमियाँ हैं तो मैं आसानी से देख लूँगा, और अगर मुझे अपने माइंड का देखना होगा तो मैं आसानी से देख नहीं सकता. ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों की कमियों को आसानी से देख पाते हैं, अपनी नहीं देख पाते? नहीं, नॉट जस्ट ईगो. हमारी आँखें, हमारी थॉट्स आउटवर्ड हैं, वो बाहर प्रोजेक्ट करती हैं. ऐसे अगर मैं टॉर्च को दीवार पे प्रोजेक्ट करूँ तो टॉर्च दीवार को दिखाएगा जो बाहर है, तो हमारे जो थॉट्स हैं वो बाहर प्रोजेक्ट होते हैं. यहाँ तक कि जब हम ट्रू कॉज भी खोजते हैं तब भी वो थॉट्स को जब दिखा रहा है तो वो बाहर ही प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई बाहर की चीज़ को दिखा रहा है. बिकॉज हमारा माइंड आउटवर्डली जाता है. केवल उसी इंसान को, हमने इसको पढ़ा था आई थिंक बुद्धा की सीरीज बनाई थी हमने, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन इनवर्ड हो जाता है, जब हर एक चीज़ का कारण आप खुद को मानते हो कि मेरे अंदर में हलचल हो रही है तो मैं डिस्टर्बिंग कॉज हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, तब जाकर के आपको अपना कॉज दिखाई देता है, अपनी कमियाँ दिखाई देती हैं. कह रहे हैं जब भी आपके अंदर में कोई नेगेटिविटी होती है तो उसका सोर्स आपको अपने आसपास के लोग, अपने पार्टनर के अंदर दिखाई देता है. इट कैन मैनिफेस्ट इन मैनी फॉर्म्स, और फिर ये बहुत से रूपों में दिखाई देता है. सबसे पहला पोसेसिवनेस, आप पोसेस करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को या अपने पार्टनर को. दूसरा है जेलेसी. जेलेसी पता है क्या होती है? ईर्ष्या, जलन. अभी शीरीष ने उस दिन बहुत अच्छे से पकड़ा था, हम लोग गुड़िया के घर पे गए थे और जब बाहर आए तो शीरीष ने ये नहीं बोला कि, मतलब बोला उसने कि पापा मुझे आपसे जलन हो रही है. आपको जब भी जेलेसी हो ना तो उसको वर्बलाइज करिए कि हाँ मुझे जलन हो रही है, तो वो एक्शन नहीं बनता. उसको मेरे बिहेवियर से जेलेसी हो रही थी कि मैं कितने प्यार से बच्चे के साथ कनेक्ट कर पा रहा था, किसी और के साथ कनेक्ट कर पा रहा था. तीसरा है कंट्रोल, आप एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो. चौथा है विथड्रॉल एंड अनस्पोकन रिसेंटमेंट, बात करने का मन नहीं करता और हम बोलते नहीं, चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिसेंट करते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं. एंड द नीड टू बी राइट, और हमको लगता है कि मैं सही हूँ, मानो मेरी बात.
एंड सेल्फ अब्जॉर्प्शन, इमोशनल डिमांड एंड मैनिपुलेशन, द अर्ज टू आर्ग्यू, क्रिटिसाइज, जज, ब्लेम, अटैक, एंगर, अनकॉन्शियस रिवेंज फॉर पास्ट पेन इन्फ्लिक्टेड बाई पेरेंट, रेज एंड फिजिकल वायलेंस. बाप रे बाप. इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? इमोशनल डिमांड, जब तक तुम मुझे प्यार नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता. और होता है मैनिपुलेशन, हम एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. मैनिपुलेट समझते हैं ना, यूज़ करने की कोशिश करते हैं. और हम क्या करते हैं, अर्ज टू आर्ग्यू, बार बार बहस करने का मन करता है, क्रिटिसाइज करने का मन करता है, जज करने का मन करता है कि तुम गलत हो, ब्लेम करने का मन करता है, अटैक करने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है, अनकॉन्शियस रिवेंज, कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस रिवेंज. दुनिया के सारे सुइसाइड अनकॉन्शियस रिवेंज है. हम दूसरे से जो बदला लेना चाहते हैं, हम खुद को ही मार करके दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, तब समझ में आएगा. फॉर पास्ट पेन्स इन्फ्लिक्टेड बाई पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के जो पास्ट के पेन इन्फ्लिक्ट किए हैं, हमको पहले मारा पीटा है, उसका हम बदला अभी लेंगे. रेज, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंड फिजिकल वायलेंस. ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब आप नेगेटिविटी को बाहर खोजते हो. नेगेटिविटी को बाहर खोजते हो? हाँ, जब आप ये मानते हो कि मेरे दुख का कारण बाहर वाला कोई है. जब बाहर वाला है तो उसको छीनेंगे, उसको दबाएंगे, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, उससे अपनी शांति को खींच पाने की कोशिश करेंगे. लास्ट पार्ट है, इन द पॉजिटिव साइड यू आर इन लव विथ योर पार्टनर. और उसी का हेट का एक पॉजिटिव साइड है, जिसमें आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं. देर इज एट फर्स्ट डीपली सेटिस्फाइंग स्टेट. ये तो शुरू शुरू में बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब आप प्यार पाते हैं. यू फील इंटेंसली अलाइव. जब कोई आपको प्यार करता है तो आपको बहुत अलाइव फील होता है. एंड द एग्जिस्टेंस हैज सडनली बिकम मीनिंगफुल. आपके आसपास की दुनिया अचानक से बड़ी मीनिंगफुल हो गई है. बिकॉज समवन नीड्स यू, क्योंकि किसी को आपकी ज़रूरत है. वॉन्ट यू एंड मेक्स यू फील स्पेशल. वो आपको चाहता है, आपको स्पेशल फील करा रहा है. एंड सो यू डू द सेम फॉर हिम और हर. इसलिए आप भी उसके लिए वही करते हो. वो आपको इंपॉर्टेंट फील कराता है, आप उसको इंपॉर्टेंट फील कराते हो. व्हेन यू आर टुगेदर यू फील होल. जब आप उसके साथ हैं तो आपको अधूरा नहीं फील होता, आपको होल फील होता है. द फीलिंग कैन बिकम सो इंटेंस दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेड्स इन टू इनसिग्निफिकेंस. आजकल ऐसा मुझे फीलिंग आता है, पता है किसके साथ? बहुत इंटेंस लव. किसके साथ? हाँ, जेनियो का? ना 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 ना, रिम्पी मैम से भी नहीं. होल की फीलिंग नहीं. हाँ हाँ, डिवाइन फ्रैगमेंट से नहीं, इंस्टाग्राम से. अच्छा. जब मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ तो घंटे घंटे देखता रहता हूँ आजकल मैं. बहुत प्यार हो गया है मुझे, डिवाइन फीलिंग आती है मुझे. क्या मजाक होता है उसमें, क्या मीम्स होते हैं यार. कमेंट देखने का मन करता है, देखने का मन करता है कितने लाइक हैं. नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये एडिक्टिव, जो चीज़ से आपको प्लेजर मिलता है वो लगता है कि बहुत पॉजिटिव है. आपके ब्रेन को लगता है, आपको लगा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ. कोई भी एडिक्टिव चीज़ जो आप कर रहे हैं, जिसको आप रोक नहीं सकते, वो आपको, आपके ब्रेन को धीरे धीरे क्रिपल कर रही है. हाँ, उसको कमज़ोर कर रही है. हाउ एवर यू ऑल्सो हैव नोटिस दैट देर इज़ अ नीडीनेस एंड अ क्लिंगिंग क्वालिटी इन दैट इंटेंसिटी. लेकिन उस प्यार में जो आप किसी से पाते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देने का मन करता है, वो आपको इम्पोर्टेंस देता है. देखिए, इंस्टाग्राम भी आपको इम्पोर्टेंस देता है. कल हम एक घर में गए थे, तो कल नहीं परसों गए थे, तो आंटी बोलती हैं, अरे मैं भी बनाती हूँ रील्स. मैंने कहा अच्छा, बोलती मुझे तो इंस्टाग्राम वाले वो देते हैं, अवार्ड देते हैं, 10,000 अवार्ड, 20,000 अवार्ड, 20,000. हाँ, वो बैचेस देते हैं. इंस्टाग्राम भी आपको बैच देता है. आप उसको इम्पोर्टेंट फील कराते हो कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, मेरे सारी चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी. और फिर इंस्टाग्राम आपको ऐड, अरे वाह, आपने 500 व्यू पा लिए, आपने 10,000 व्यू पा लिए. इसमें एक तरह की नीडीनेस एंड क्लिंगिंग क्वालिटी होती है आपके अंदर में. जब दूसरे से खुशी मिलती है तो आपको हमेशा उसकी आदत पड़ती रहती है, नीडीनेस होती है. यू बिकम एडिक्टेड टू द अदर पर्सन. आप दूसरे के साथ में एडिक्टेड हो जाते हो, मतलब
उसका नशा हो जाता है. ही और शी एक्ट्स ऑन योर ऑन यू लाइक अ ड्रग. वो लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे के लिए ड्रग्स की तरह हो जाते हैं. यू आर ऑन हाई व्हेन द ड्रग इज़ अवेलेबल. जब ड्रग्स आपके पास होता है तो आप हाई होते हो. और अगर हल्का सा डर भी आ जाए कि ये जिसको मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ वो चला जाएगा, तब उसकी वजह से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि उसकी वजह से आप जेलेसी क्रिएट कर देते हैं, पोसेसिवनेस, उसको पकड़ कर अपने पास रखना चाहते हैं, उसके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक आजकल एक सीरीज़ देख रहा हूँ, उसका नाम है क्राइम, क्या नाम है जी, समथिंग, बहुत पुरानी सीरीज़ है, 1990s की, लॉ एंड ऑर्डर. उसमें एक भाई साहब बड़े बदतमीज़ आदमी हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ते हैं, उनको रेप करते हैं और फिर जाकर के पुलिस के पास दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं साइकिक हूँ, मुझे पता है वो लड़की कहाँ है, मैं पुलिस की हेल्प कर सकता हूँ. मुझे पहले लगा कि सच में साइकिक आदमी है ये, और फिर लास्ट पता चला वो मैनिपुलेटिव मर्डरर है, रेपिस्ट है, और उसने अपनी बीवी को भी ऐसा बना दिया था. उसकी बीवी को बोलता था तू अगर मुझे प्यार करती तो तू मर्डर कर. ये चीज़ें थैंकफुली हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमको अभी तक उसका एडिक्शन नहीं हुआ है, नशा नहीं हुआ है, बट लोगों को हो जाता है. हम करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल एक दूसरे को, हम करते हैं ब्लेम, अक्यूज़, क्योंकि हमको होता है फियर ऑफ लॉस, खो देंगे उसको. आज का लास्ट लाइन, मिरर ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, कृष्णमूर्ति नहीं है. यही तो आज के वीडियो के एकदम शुरुआत में मैंने बोला है, जो इस किताब का नाम गेस कर लेगा उसको मैं दूंगा 100 रुपीज़ का चॉकलेट. टोटल फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम नहीं है. सबको एक एक चांस था. कृष्णमूर्ति नहीं है. श्रीश ने कहा था फियर ऑफ कृष्णमूर्ति नहीं है, मिरर ऑफ रिलेशनशिप नहीं है. आप बोल रहे थे कृष्णमूर्ति का ही कुछ टोटल फ्रीडम नहीं है, वो भी नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी नहीं है. ऐसा ऑथर तो नहीं हमने सुना ही ना, ऐसा ऑथर नहीं जिसको आपने नहीं सुना, सबने अच्छे से सुना है उस ऑथर को. हाँ, हम एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, अक्यूज करते हैं, क्योंकि हमको होता है फियर ऑफ लॉस, हम उसको खो देंगे. श्रीश बोल रहे हैं बीइंग इन लव नहीं है, और वो बोल रहे हैं, प्रतीक बोल रहे हैं ओशो की बुक है, नहीं है ओशो की बुक. वही तो सोचने वाली बात है. अभी देखते हैं. इफ द पर्सन डज लीव यू, दिस कैन गिव राइज टू मोस्ट इंटेंस हॉस्टिलिटी और मोस्ट प्रोफाउंड ग्रीफ एंड डिस्पेयर. और अगर अल्टीमेटली वो आदमी आपको छोड़ के चला जाता है, जो कि होता ही है. उस दिन मैं पहाड़ों से आ रहा था सब आप लोगों के साथ में, और उसमें एक शंकर जी का गाना चल रहा था. कौन सा गाना? हाँ, शिव कैलाशों के वासी. उसके गाने के बाद में एक नेक्स्ट गाना आया था जो बहुत दुखी वाला गाना था, कि भगवान मेरे साथ क्यों गलत किया. वही सिंगर था शायद, उसका नाम नहीं मुझे याद है. बड़ी बड़ी जटाएँ हैं उसकी. हंसराज नहीं, हंसराज नाम है उसका. और वो इतना दुखदाई गाना था, इतना पेनफुल गाना था, कि मुझे लगा यार मान लो बड़ी मम्मी मर गई अगले कुछ महीनों में, साल भर में, तब मेरी लाइफ कैसी होगी. मैं क्या रिम्पी स्कैन चलाऊंगा, बच्चे मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे कैसे बात करूंगा. क्योंकि छोड़ कर चले जाएं ऐसे नहीं थॉट आ रहा है, अगर वो आ जाए तो और भी ख़तरनाक थॉट है, क्योंकि उसमें गुस्सा ज़्यादा होगा. और मैं सुन भी रहा था उस गाने को, और फिर कुछ देर बाद बड़ी मम्मी ने उस गाने को हटा दिया. हमारा मन जब दुखी होता है, कृष्णमूर्ति कहते थे ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. जो थिंकिंग का प्रोसेस, आप एक गाना सुना और माइंड का वही लाइट जो चीज़ों को देख रहा है, समझ सकता है, खट करके शेप बदला. नहीं समझे? देखिए, हम लोग कार चला रहे थे, आप कार चला रहे, नहीं मैं कार चला रहा था, और गाना चल रहा था, गाना सुन रहे हैं, भगवान शंकर की आरती हो रही, पूजा हो रही है, और अचानक से नेक्स्ट गाना आया कि भगवान मुझे बहुत दुख दिया, बहुत सजा दी, वगैरह वगैरह. और उस आवाज़ को सुन करके थॉट क्या आया, अगर मेरी बीवी मर जाती है तो क्या होगा, मेरी ज़िंदगी उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिम्पी स्कैन चलेगा कि नहीं चलेगा, श्रीश या गरिमा या वैभव आकर के मेरे पास रोएंगे तो मैं उनको कैसे चुप कराऊँगा, मैं तो खुद रोता रहूँगा. ये सब थॉट्स मुझे 2-4-5 मिनट में
गाना बहुत देर तक चला नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट का गाना होगा, 3 मिनट तक चला होगा, उसके बाद ख़त्म। लेकिन उस 3 मिनट में ये सारे थॉट थॉट थट थट करके शेप लेकर के ब्रेन में आ रहे थे। फियर ऑफ लॉस, जो कि होने वाला ही है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, जिसको भी हम प्यार करते हैं वो जाएगा ही जाएगा। थिचनाथन नहीं है। इन एन इंस्टेंट लविंग टेंडरनेस कैन टर्न इनटू सैवेज अटैक और ड्रेडफुल ग्रीफ। एक ही सेकंड में जो आपका लविंग टेंडरनेस है, जो बड़ा प्यार है एक दूसरे के लिए, वो बदल करके हो जाएगा सैवेज अटैक, जानवर अटैक। इतने गैस के बाद क्या फायदा। उनका एनलाइटेंड रिलेशनशिप वाला चैप्टर ये है, बुक देखो। नहीं, वो पीछे छुपा रखा। पावर ऑफ नाउ है ये। वही है एनलाइटेंड रिलेशनशिप। वेयर इज द लव नाउ, जिसको आप प्यार करते थे, अगर वो हेट हो गया तो अब वो प्यार कहाँ है? कैन लव चेंज इन टू द ऑपोजिट इन एन इंस्टेंट? क्या जिसको आप प्यार कहते हैं वो एक ही इंस्टेंट में, एक ही क्षण में हेट बन सकता है? वॉज इट लव इन द फर्स्ट प्लेस और जस्ट एडिक्शन, एडिक्टिव ग्रास्पिंग एंड क्लिंगिंग? क्या वो सच में प्यार था भी? क्या वो केवल ग्रास्पिंग, एडिक्टिव ग्रास्पिंग एंड क्लिंगिंग था, एक तरह का एडिक्शन था जिसमें आपने बगल वाले को पकड़ रखा था? ये अपने आप से पूछिएगा। जब भी आपका प्यार हेट में बदल जाए, या किसी चीज़ को आप बहुत प्यार करते हो और वो हट जाए तो आपको गुस्सा आए, परेशानी हो, तो ये जान लेना कि मैं किसी एडिक्टिव चीज़ में फंसा हूँ, वो प्यार नहीं है। कृष्णमूर्ति को जब किसी के साथ ऐसा होता था कि वो बहुत उसको, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो भी उनको बहुत अच्छे से फ्रेंड लग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अपने आप को उनसे दूर कर लेते थे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही गेस किया, इस पुस्तक का नाम है पावर ऑफ नाउ। और इस बुक ने कृष्णमूर्ति की अवेयरनेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के फॉर्म में बताया कि कैसे आप उसको प्रैक्टिस करें। रोज़ जब भी आपके रिलेशनशिप में हेट्रेड हो, तब तो ज़रूर वापस आएँ पास्ट से, मतलब प्रेजेंट में आएँ। एक तरह से हेट्रेड स्पिरिचुअल क्वालिटी है, दुख आपको फ्री करने की क्वालिटी है। कलर पढ़ते हैं।